हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जो कि आपको हेल्प करेगी अपने घर पर ही बैठकर काम करके अच्छी खासी अर्निंग करने में। इस वेबसाइट का नाम है स्पिटबॉल। आप देख सकते हैं मैंने इधर स्पेलिंग लिखी है, स्पिटबॉल। देखिए, अगर इस वेबसाइट के बारे में बात की जाए तो इस वेबसाइट को कह सकते हैं कि ये एक लर्निंग वेबसाइट है, क्योंकि इस वेबसाइट पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे बच्चे जुड़े रहते हैं। ये स्टूडेंट्स जो होते हैं, ये अपने डाउट्स को, जो भी इनके डाउट होते हैं होमवर्क से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो इनके डाउट होते हैं, वो अपने इन डाउट्स को इस साइट पर पूछते हैं, इस वेबसाइट पर आके अपने डाउट्स को पूछते हैं। हम लोग इन डाउट्स के जवाब देकर यहाँ से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको इन्हीं के डाउट्स के, इन्हीं सवालों के जवाब देने होते हैं। कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको हमें पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है, तो वही एक सब्जेक्ट लेके जिस पे आपकी डीप नॉलेज है, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आउट आता है कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप गूगल वगैरह की हेल्प ले सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और जो है उसी आंसर को अपने शब्दों में उन बच्चों को बता सकते हैं। जब आपके आंसर इस वेबसाइट पर ये स्टूडेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको पेमेंट दे दी जाती है। अब देखिए, पेमेंट भी आपको यहाँ डायरेक्ट नहीं दी जाएगी कि आपको डायरेक्ट डॉलर दिए जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको जो पैसे होते हैं वो SBL पॉइंट्स में, या कह सकते हैं SBL टोकन के रूप में मिलते हैं। ये जो टोकन आपको दिए जाते हैं, ये हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है कि वो अपने क्वेश्चन के लिए 30 SBL दे। कोई दूसरा क्वेश्चन है, हो सकता है वो 100 SBL के लिए हो। हो सकता है कोई तीसरा क्वेश्चन है वो किसी और SBL के लिए हो कि भाई 20 SBL मैं आपको दूंगा, मेरे को इसका जवाब दो। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। आपको जो ये SBL के टोकन है या SBL के पॉइंट्स, जो भी आप कहना चाहते हैं, यही ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करने होते हैं, क्योंकि यही चीज़ आपको हेल्प करती है आपकी पेमेंट लेने में। अब कैसे करती है वो मैं आपको आगे बताऊँगी, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट के ऑप्शन आपको मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे तो मिल गया था। मैं आपको एक बार अगर सब्जेक्ट के ऑप्शंस बताऊँ यहाँ पर, तो देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिल सकते हैं। अकाउंटेंसी, मैथ्स, आर्ट्स, बायोलॉजी, बिजनेस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स वगैरह, इस पे आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी भी मिल जाता है, क्योंकि कई जगह साइकोलॉजी नहीं मिल रहा था जो कि मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइकोलॉजी में मिलता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन के जवाब आप दे सकते हैं। अब देखिए, ये नहीं है कि आपने कोई एक सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया है कि मैं तो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर दूंगा। आप अगर चाहते हैं दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देना, तो उनके भी आंसर आप दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आपको अगर दूसरे सब्जेक्ट के आंसर देने हैं तो उनके भी दे सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर से रिसर्च वगैरह करके, गूगल वगैरह से आप उनके आंसर भी दे सकते हैं, क्योंकि भाई हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देंगे उतने ज़्यादा हमें पॉइंट्स मिलते जाएंगे और उतनी ज़्यादा हमारी अर्निंग होगी, ठीक है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। तो अगर आप एक हाउसवाइफ है तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक कॉलेज के बच्चे हैं, थोड़ी सी पेमेंट करना चाहते हैं अपने लिए, तो आप यहाँ पर ज़रूर काम कर सकते हैं। या फिर आप पहले से ही कोई जॉब कर रहे हैं, चाह रहे हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हमारी हो जाए, तो भी एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे, जब भी आप क्वेश्चन के जवाब देंगे तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स ज़रूर मिलते हैं SBL में। तो इन पॉइंट्स को आपको लगातार इकट्ठा करना है, ठीक है। जब आप लगातार इन पॉइंट्स को इकट्ठे करते हैं, तो अब जब आपके, देखिए जैसे मान लीजिए आपके 1000 SBL हो गए, तो ये जो 1000 SBL होते हैं ना, ये आपके बराबर होते हैं $10 के। 1000 SBL जो ये पॉइंट्स आपको मिले हैं SBL में, वो बराबर होंगे आपके, 1000 SBL बराबर होंगे $10 के। इसी तरह अगर आपने 2000 SBL जमा कर लिए हैं तो वो बराबर होते हैं $25 के। इसके अलावा 3000 SBL जमा कर लिए हैं तो वो बराबर होते हैं आपके $50 के। और अगर आपने 4000 SBL जमा कर लिए हैं तो वो होते हैं बराबर आपके $100 के। तो ये डॉलर आपको जो है किस तरीके से आपको मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड के रूप में, अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड के रूप में। इन गिफ्ट कार्ड को आप जो है सेल कर सकते हैं, कहीं पर भी इनको एक्सचेंज करवा सकते हैं और इंडियन करेंसी में अपने जो पैसे हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि भाई हमें तो इंडियन करेंसी में चाहिए, है ना।
तो यहाँ पे आपको अमेजोन गिफ्ट कार्ड मिलेंगे जिनको कि आप किसी भी वेबसाइट पर, काफी सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी जो इन कार्ड्स को लेकर आपको इंडियन करेंसी देती है। अगर आप सर्च करेंगे ना नेट पे तो आपको काफी सारी वेबसाइट ऐसी मिल जाएगी, तो देख लीजिएगा थोड़ी सी जेन्युइन वेबसाइट हो, HTTPS जिन पे लिखा रहता है आगे, ऐसी वेबसाइट पर जाकर आप जो है इनको रिडीम करवा लीजिए, अपनी इंडियन करेंसी में इसको एक्सचेंज करवा लीजिए इन कार्ड्स को, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम चलता है और आप अच्छी खासी पेमेंट ले सकते हैं। बात ऐसी है कि जितनी ज़्यादा आप अर्निंग करना चाहते हैं तो उस हिसाब से ही आपको यहाँ पर टाइम देना होगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चंस के बारे में बोलूँ तो क्वेश्चन काफ़ी आसान भी हो सकते हैं और क्वेश्चन काफ़ी टफ भी हो सकते हैं, मुश्किल भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग पूरी रिसर्च कर सकते हैं किताबों से या इंटरनेट से, जहाँ से भी हम चाहें, और मदद ले सकते हैं और फिर इन बच्चों को बता सकते हैं। तो ये हाँ है, हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी और किसी को कुछ बता रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और इसके अलावा अर्निंग भी होती है, ठीक है। लेकिन मेरे को मोस्टली वही वेबसाइट ज़्यादा अच्छी लगती है जिसमें हमें डायरेक्ट डॉलर मिलते हैं और कहीं पे चेंज वेंज नहीं करवाना पड़ता, बट स्टिल एक ट्रस्टेबल वेबसाइट है और अच्छी वेबसाइट है। जो मैंने रिव्यूज़ वगैरह जाने हैं वो काफ़ी पॉजिटिव थे और अच्छे रिव्यूज़ थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपना भी अकाउंट इधर बना लिया है कि भाई, है ना। तो अगर आपको भी अपना अकाउंट बनाना है तो इसका मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले गूगल करना होगा आपको। स्पिटबॉल गूगल करेंगे तो इधर आपको जो है सीधा सीधा ऑप्शन मिलता है रजिस्टर करने का, रजिस्टर कर देंगे, साइन अप करेंगे तो उसके बाद आप ईमेल से अपना जो है साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है आपसे वही आपको भरनी होती है, जैसे जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वो आप भर दें और उसके बाद यहाँ पे आप काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप भी यहाँ पर पूछ सकते हैं और इन आपको भी कुछ ना कुछ SPL पॉइंट्स दूसरे लोगों को देने पड़ेंगे, तो आपको सीखने का भी मौका मिलता है, सिखाने का भी मौका मिलता है, दो तरीके से चीज़ें चलती हैं, ठीक है। यही बात है। तो आपका जो 100 SBL होता है वो $2.5 के बराबर होता है, अच्छा, ठीक है। शुरुआत में आपको 100 SBL दिए जाते हैं जब आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो, और यहाँ पे आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि इससे हेल्प होगी दूसरे लोगों की भी, ठीक है। तो इस वेबसाइट को शेयर भी कर सकते हैं। तो यही देखिए, यही कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं और आप यहाँ पर ज़रूर काम कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आपको बताना चाहती थी। अगर आप यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ सकते हैं क्योंकि एक अच्छी वेबसाइट है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।